गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर यू फॉर द क्लास 10। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में एक ही कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, दैट इज बोली। कैरेक्टर और भी हैं लेकिन मेन कैरेक्टर जिसके ऊपर पूरी स्टोरी घूमती है, जिसके चारों तरफ, उस कैरेक्टर का नाम है बोली। और अदर कैरेक्टर्स हैं बोली टीचर, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड बोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि घर में अगर चार बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं या पांच बच्चे हैं, तो उनमें से एक ना एक बच्चा निगलेक्ट होता है पेरेंट्स की नज़र में, भाई बहन की नज़र में। तो यहाँ पर भी ऐसी क्या है कि बोली को निगलेक्ट किया जाता है पूरे घर में। क्यों? क्योंकि वो सुंदर नहीं थी, उसका चेहरा अच्छा नहीं था। और वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। और जो बोली की टीचर है, उसने बोली के अंदर कुछ समझा और काफ़ी इंटरेस्ट लिया और बोली को पढ़ाया लिखाया, जबकि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि बोली पढ़े लिखे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली द सिंपलेटन। नाउ हार्वर्ड इज सिंपलेटन। वी कैन से दैट सिंपलेटन मीन्स अ सिंपल पर्सन, और that person is not so wise, ज़्यादा intelligent नहीं होता, fool or not wise। Her name was Suleha। अब इस बच्चे का नाम क्या था? Suleha। क्या काम जैसे बोली जैसे Suleha। But since her childhood everyone had been calling her Bholi। बचपन से ही उसको घर में किस नाम से पुकारा जाता है? Bholi। जैसे कि निकनेम बच्चों का होता है, उसी नाम से कुछ बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal। पेरेंट्स में अभी आपको बताया था, मेन कैरेक्टर में तो नहीं है, लेकिन इसके जो पेरेंट्स फादर थे उनका नाम बताया गया रामलाल, और ये Bholi जो है उनकी चौथी बेटी है। When she was 10 months old, she had fallen off the car on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained back but child and came to be known as Bholi the simpleton. तो जब वो 10 महीने की थी, वो बच्ची छोटी थी, she had fallen off the cot, वो कॉट मीन जिस पर चारपाई बोलते हो, चारपाई पर सो रही थी और चारपाई से गिर गई। गिरने पर क्या हुआ? हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। उसके ब्रेन पर चोट लगी, सिर में चोट लगी, कोई पार्ट ब्रेन का डैमेज हो गया। जब ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ भूलने वाली बातें या कुछ समझ में ना आने वाली बातें, कुछ हरकतें भी ऐसी होती हैं, ऐसा कुछ हमारे साथ होता है। That was why she remained a backward child। इसलिए दिमाग में कमी आने की वजह से, सिर में चोट लगने की वजह से वो बच्ची बैकवर्ड रही, ना पढ़ाई में ठीक, ना कुछ काम में ठीक। And came to be known as the Bholi simpleton। और उसे क्या नाम दे दिया गया? Bholi। और बिल्कुल simpleton means जैसे कि बुद्धू। At birth the child was very fair and pretty। जब जन्म हुआ तब तो बहुत सुंदर थी, गोरी भी थी, फेयर कलर था।
बट वेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. लेकिन जब वो 2 साल की थी तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसे स्मॉल पॉक्स हो गया. और स्मॉल पॉक्स क्या होता है, चेचक की एक बीमारी होती है जिससे कि आंखों पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है और चेहरे पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं. ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. तो अभी उसमें बताया था डीप ब्लैक पॉक मार्क्स क्या होता है, कि काले काले गहरे धब्बे पड़ जाते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरी बॉडी पर स्पॉट्स हो गए, इसलिए उसका फिगर जो बॉडी इतना सुंदर थी बच्ची, सारी सुंदरता चली गई बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. और कैसे धब्बे पड़ गए, अभी भी बताया था काले चेचक के दाग. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. तो सुलेखा जब तक 5 वर्ष की नहीं हुई तब तक कुछ नहीं बोल पाती थी. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर, जब वो बोलना सीख भी गई तो वो हकलाने लगी. द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड वन ऑफ हर, ये दूसरे बच्चे थे घर में उसका मजाक उड़ाने लगे. जस्ट इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि जब कभी बच्चे की कंडीशन ऐसी होती है दैट ही और शी इज़ नॉट गुड एट हिज और हर माइंड, तो उसकी इंसल्ट की जाती है, उसको पैनिक किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, मिमिक्री की जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और निग्लेक्ट किया जाता है. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड वेन शी एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड अभी बताया था मैंने, रुक रुक के बोलना. Speaking after sometimes stopping. The other children often made fun of her. दूसरे जो बच्चे थे उसका मजाक उड़ाने लगे. Mimic her, उसकी मिमिक्री करने. As a result, she talked very little. तो अंत में अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, तो वो बहुत कम बातें किया करती थी. तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई हो रहा है कि जो बच्ची है बोली जिसका नाम सुलेखा बताया गया है, उसको घर में निग्लेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि वो बीमार थी, बीमारी से जूझ चुकी थी, और ये कह सकते हैं कि उसके ब्रेन पर चोट लगी गिरने की वजह से, साथ में उसको स्मॉल पॉक्स भी हो गया था जिसकी वजह से पूरी बॉडी डिसफिगर हो गई. तो इन ऑल सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे. तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कि whatsoever the hard words are given here. अभी बताया था फूल सिंपलेटन, फिर डैमेज्ड, फिर एंटायर, कंप्लीट, disfigured, damaged, stammered, spoke. स्टूडेंट्स दीज आर द हार्ड वर्ड्स इन दीज 2 paragraphs. इफ यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट यू कैन टेक फॉर वाइल.
After that, Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters. And the youngest of them was Bholi. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of third Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. Now, hard words of this paragraph. Plenty, a lot of, only this is a single hard word. It is a very simple paragraph. Ramlal had 7 children. रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे थे और 4 बेटियां, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, सबसे छोटी बच्ची का नाम है भोली। तो यहाँ देखा जा सकता है कि बच्ची जो भोली है वो सबसे छोटी है। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। जो ये किसान था, फादर थे रामलाल भोली के, वो प्रॉस्परस थे, समृद्धशाली किसान थे। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, सब कुछ अच्छी मात्रा में उपलब्ध था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। घर में सारे बच्चे भोली को छोड़कर हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। जो बेटे थे वो शहर में पढ़ने के लिए भेज दिए गए थे, बाद में कॉलेजेस में भेज दिए गए पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। अब बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, सबसे बड़ी बेटी राधा है जिसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। और दूसरी बेटी जो जिसका नाम बताया गया मंगला, उसकी भी शादी पक्की हो गई थी। एंड वेन दैट वॉज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा। और जब उसकी शादी हो जाएगी, अब किसकी चिंता रहेगी रामलाल को, तीसरी बेटी चंपा। तो यहाँ समझ सकते हैं टोटल जो 4 बेटियाँ हैं, एक सबसे बड़ी राधा है, दूसरी मंगला, तीसरी चंपा और लास्ट में सुलेखा बोली। देवर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स। देवर गुड लुकिंग, अच्छी दिखने वाली थी, हेल्दी बेटियाँ थी। And it was not difficult to find bridegrooms for them. और ये भी कोई difficult नहीं था उन, क्योंकि वो सुंदर भी हैं, हेल्दी हैं। क्या difficult नहीं था उनके लिए? दूल्हा ढूंढने में कोई परेशानी नहीं, उनके लिए लड़का खोजने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि संपन्नता भी है, बच्चे सुंदर भी हैं, हेल्दी भी हैं। But रामलाल was worried about। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में पूरी फैमिली के बारे में बताया गया है कि कौन कहाँ पर सेटल्ड है और उसके इसके साथ क्या हुआ। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। भोली वॉज 7 ईयर्स ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। द तहसीलदार साहिब came to play perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. Then that night when Ramlal consulted his wife, she cried, are you crazy? If girls go to school, who will marry them? Now the students' hard words, if there any hard word, we can see that. There is only single word.
क्रेजी, क्रेजी मींस मैड, बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। रामलाल की सबसे बड़ी टेंशन थी वो भोली के लिए थी, क्योंकि ना तो वो अच्छी दिखने वाली थी, ना सुंदर थी, ना ही इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड वैन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली की उम्र 7 वर्ष थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल एक लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खुला गाँव में। तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, उसका उद्घाटन करने के लिए ओपनिंग सेरेमनी में तहसीलदार साहब आए। ही सेड टू रामलाल एज अ रेवेन्यू ऑफिसियर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो रामलाल से तहसीलदार साहब ने कहा कि एज अ रेवेन्यू ऑफिशियर, कि तुम रेवेन्यू ऑफिशियर हो, टैक्स कलेक्ट करते हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, और तुम एक तरीके से गवर्नमेंट के प्रतिनिधि गाँव में। सो यू मस्ट एट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, जब तुम इतने बड़े इंसान हो गाँव के लिए तो तुम एक एग्जाम्पल के रूप में सामने नजर आओ, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि बेटियों को पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर तहसीलदार साहब कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजोगे तो और पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे, इस तरह से बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी हो जाएंगी। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया वो बड़ी जोर से चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गई हो, अगर बच्चियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। होता क्या है कि स्टूडेंट्स पुराने टाइम में ये माना जाता था कि बच्चियों को अनपढ़ रखा जाता था, पढ़ी लिखी बच्ची सही नहीं मानते थे पेरेंट्स, पुरानी सोच थी, कह सकते हैं रूढ़िवादी सोच। तो इस तरह से यहाँ पर एक बार तो रामलाल तो एग्री हो गया, लेकिन उसकी भोली की जो माँ थी वो बिल्कुल तैयार नहीं थी कि मेरी बच्चियाँ स्कूल पढ़ने के लिए चले। तो इन ऑल यू कैन सी दैट हियर इन दिस पैराग्राफ, गांव में एक स्कूल खुला है, रामलाल अच्छा, रामलाल का अच्छा नाम है, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है विलेज में, और तहसीलदार साहब जब स्कूल की सेरेमनी और स्कूल ओपनिंग की सेरेमनी, प्राइमरी स्कूल ओपनिंग सेरेमनी में आए तो उन्होंने ये कंसल्ट किया किसको, रामलाल को, कि तुम अपनी बेटी एक एग्जाम्पल बनो, अपनी बेटियों को भेजोगे तो और लोग भी जो है अपनी बेटियों को भेजेंगे। तो स्टूडेंट इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दीज हार्ड वर्ड्स यू कैन टेक फॉर अ व्हाइल। Students, you can see that up till now part 1 has been completed. In the next video, in the next lecture, I will explain you that what happened after this, that whether the boy is going to school for study or not, her parents are going to give permission or not, it will be discussed with you in the next video. Till then, thank you and goodbye.